जामदेकर साहब, आप इतना प्रदूषण पॉलिटिक्स में क्यों लाते हो? आप तो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हो, आपको तो प्रदूषण खत्म करना चाहिए, लेकिन हर आपके बयान में कुछ ना कुछ ऐसी कठोर बात होती है, कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है जो हमेशा आलोचना की तरफ जाती है। देश के सामने बड़े संकट आए हुए हैं आज के दिन, और मैं समझता हूँ आपको उन संकटों का सामना करना चाहिए, ना कि राहुल जी के ऊपर कोई टिप्पणी करनी चाहिए। मैं केवल इतना ही आपको कहूँगा कि जो आपने बातें गिनाई हैं, जिसके बारे में आपने कहा है, मुझे शायद लगता है कि आपको ज़्यादा जानकारी है। आपने देखो शहीन बाग की बात की, और आपको तो जानकारी ज़्यादा होगी, क्योंकि पुलिस जो आपके आपके सरकार के अधीन है, वो पुलिस ही CCTV कैमरा तोड़ रही थी, आपको तो इस बात का मालूम होगा। और आज के दिन तो कई याचिकाएं डल रही हैं हाईकोर्ट में कि पूरी तरह से ठीक तरह से तफ्तीश हो नहीं रहा, किस तरह से कुछ लोगों ने दंगे फैलाए, और उसके बारे में आप ना ही कुछ कहें तो अच्छा है। जहां तक चीन का सवाल है, तो मैं आपको एक और सलाह देना चाहता हूं कि जो वास्तविकता है वो तो देश को बता दीजिए जरा, क्योंकि अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि महाभारत 18 दिन में ख़त्म हो गया, और ये महामारी और ये जो अपना कोरोना वायरस है, इसको केवल 21 दिन लगेंगे, और 21 दिन तो अभी तक ख़त्म नहीं हुए जावड़ेकर साहब। तो कहने का मतलब यह है कि आप इन चीज़ों से हटकर अपनी सरकार को कहिए कि देश की समस्याओं के बारे में ज़्यादा ध्यान दें। फिर चीन की बात आ गई, चीन में एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे प्रधानमंत्री बयान दे रहे थे, वो ही प्रेसिडेंट शी कह रहे थे। प्रेसिडेंट शी क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे कि हमने कोई भी जमीन हिंदुस्तान की जमीन पे कब्जा नहीं किया, और वही बात 19 जून को हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही जब ऑल पार्टी मीटिंग हो रही थी, कि ना तो हमारी जमीन पे किसी ने कब्जा किया है, ना आज किसी का कब्जा है, और ना किसी पोस्ट पे किसी चीनियों का कब्जा है। और आपका वहां जो एम्बेसडर है चीन का, वो कहने लगा कि नहीं नहीं, ये डिसइंगेजमेंट होनी चाहिए, और गलत तरीके से चीनियों ने हमारी जमीन का कब्जा किया है। आपका विदेश मंत्रालय भी ने भी ये बात मान ली, आपके डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्रालय ने भी ये बात मान ली। तो मुश्किल तो यह है कि आपकी सरकार में हमें यह नहीं पता लगता कि सच क्या है और असत्य क्या है, यही नहीं पता चलता। तो ये पहले आप बयान देने से पहले इतना जरूर बता दीजिए कि सत्य क्या है, क्योंकि आपके सारे डेटा गलत होते हैं। आपको मालूम है कि हम देश की आर्थिक स्थिति किस तरफ जा रही है। महामारी तो हम चाहते हैं खत्म हो, और अच्छी बात है कि हिंदुस्तान में अब जोरों शोरों से काम हो रहा है, लेकिन आपको फैसला पहले लेना चाहिए थे, फरवरी में ही लेना चाहिए था कि सारी एयर फ्लाइट्स बंद कर देनी चाहिए थी, लेकिन आपने वो फैसले नहीं लिए। मुश्किल तो ये है ना कि आपको देश चलाना नहीं आता, केवल आपको आक्रमण करना आता है, और ऐसे शब्दों के साथ जो शोभा नहीं देते आपको भी और आपकी सरकार को भी।